बाज़ औक़ात ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि हर शख्स से एतबार उठ जाता है। दुनिया का हर रिश्ता खोखला और बेमानी लगता है। इंसान मायूसी की दलदल में इस कदर धंस जाता है कि कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, कोई सहारा नज़र नहीं आता। ऐसे में कुरान क्या फरमाता है? गम ना करो, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। बेशक अल्लाह ताला हर हाल में, हर जगह पर, हर हालात में हमारे साथ। मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। तो नमाज जो है उसकी पाबंदी कीजिए और हमेशा अपनी नमाजों की फ़िक्र कीजिए, कभी भी नमाज को नहीं छोड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब फरमाता है, अगर मेरा बंदा ज़मीन पर गुनाह कर ले और मेरी बारगाह में आए, बरती उसने ज़मीन गुनाहों से, गुनाह कर करके, लेकिन वो आए और इस्तग़फ़ार करे और इस उम्मीद पर इस्तग़फ़ार करे कि मेरा रब मुझे माफ़ कर देगा, सच्चे दिल से तौबा करे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रब उसे माफ़ फरमा देगा। तो लौट आओ अपने रब की तरफ, लौट आओ फलाह की तरफ, लौट आओ कामयाबी की तरफ। बेशक अल्लाह अपने बंदों से बेहद रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने अपना जो मिनी ब्लॉग है वो शुरू किया है अहादीस के साथ। तो ये अहादीस हम लोग सब ने सुनी भी हैं और पढ़ी भी हैं, बस हम लोग इस पे अमल करना भूल गए हैं। दिन भर की रूटीन में कितने ही काम ऐसे गुजरते हैं जिसमें हम अपने अल्लाह ताला की बेहद नाफरमानी कर रहे होते हैं। दिन भर के अख्ताम के बाद जब आप लोग रात को अपने बिस्तर पर जाएं तो अपना एहतसाब लाजमी किया कीजिए कि हम लोगों ने दिन के अंदर कौन से अच्छे काम किए हैं और कौन से ऐसे काम किए हैं जिनसे हमारा अल्लाह जो है वो हमसे नाराज़ है, और उससे अपने रब से गुनाहों की माफ़ी मांगे। और बेशक हमारा रब जो है वो हमारे छोटे से छोटा गुनाह, बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ करने वाला है, और ये मोहलत सिर्फ तब तक ही है जब तक हमारी ज़िंदगी बाकी है। ये थी मेरी आज की फ्राइज़ रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लाजमी अपने बच्चों के लिए बनाएं और ट्राई करें, और बहुत मज़े की और क्रिस्पी फ्राइज़ जो हैं वो आप लोग इन्जॉय करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।